नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई बार सोशल मीडिया पर गलत खबरें बड़ा नुकसान कर जाती हैं। कुछ लोग जानबूझकर ये गलती करते हैं, कुछ लोगों से अनजाने में ये गलती हो जाती है, लेकिन इन गलतियों का नुकसान बड़ा हो जाता है। एक खबर खूब वायरल थी जिस और उस खबर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश थी और इसको लेकर बड़ा नुकसान हो सकता था। इस नुकसान से बचाया है सच्चाई ने, तथ्यों ने, और जिसने झूठी खबर फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। पूरी खबर की बात करेंगे, पूरे मामले की बात करेंगे। गोपालगंज को लेकर ये खबर है जहां लगातार ये अफवाह उड़ती रही है, झूठी खबर फैली कि मस्जिद में एक युवक की बलि दे दी गई है, और लगातार अफवाह उड़ रही थी। बाद में सच्चाई सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रसिद्ध वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट, और जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं उनके बयानों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस खबर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश थी। ये बिल्कुल अपराध का मामला है, सांप्रदायिक कोई एंगल नहीं है इसमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, और इससे बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस ने अब कार्रवाई की है और पुलिस ने इस पूरे मामले पर से पर्दा भी उठाया है। खबर गोपालगंज के बेलहीडीह गांव का है, जहां के बारे में खबर थी कि एक 15 वर्षीय रोहित जायसवाल नाम के युवक की बलि दे दी गई मस्जिद में ले जाकर। बाद में अब सच्चाई सामने आई है, और जो सच्चाई सामने आई है एक प्रसिद्ध न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार वो हम आपको बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि रोहित जायसवाल की मौत जरूर हुई थी, 15 वर्षीय रोहित जायसवाल की मौत जरूर हुई थी, लेकिन उसकी मौत नदी में डूब जाने की वजह से हुई थी। एक नदी है जिसका नाम है पकहा नदी है, उसके घाट पर मृतक रोहित जायसवाल के पिता रेहड़ी लगाते थे और वहीं पर रोहित खेला करता था। उस दिन भी यानी 28 मार्च 2020 को रोहित पकहा घाट पर खेलने गया था, बाद में वो डूबा, उसके दोस्त उसको छोड़कर भाग गए। अगले दिन बताया कि रोहित डूब गया है। ये तमाम तथ्य हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने रख रहे हैं, और पुलिस का जो बयान है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। तो रोहित डूब गया, रोहित के डूबने की खबर सामने आ गई, और बाद में फिर ये झूठी खबर एक न्यूज़ वेबसाइट ने फैलाई कि मस्जिद में बलि दी गई है, और इस तथ्य का खुलासा हुआ, उस वेबसाइट पर भी कार्रवाई हुई है। तो इस खबर को लेकर आगे जो जानकारी है वो आपको बता देते हैं कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, और 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और 5ों के 5ों नाबालिग हैं, और 5ों को जमानत कोर्ट से मिल चुकी है। एक जो आरोपी है वो फरार है। लगभग तमाम चीज़ें हमने आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताई है। अब पुलिस अधिकारी का बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये खबर इसलिए दिखानी पड़ी, खबर दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझाया जा सके, बताया जा सके, और जेहन में ये बात डाली जा सके कि किस तरीके से किसी भी खबर को सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर और कुछ न्यूज़ वेबसाइट के जरिए भी उसको सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश होती है, जिससे बड़ा नुकसान जाहिर तौर पर हो सकता है। बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए, आप सच को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। घटना हुई थी, इस घटना में जो मृत्यु हुई थी राजेश साह के पुत्र की, उस मृत्यु के संबंध में अनुसंधान चल रहा है, और CID की भी टीम आई है, उसमें पुलिस कार्रवाई भी की है 5 लोगों के विरुद्ध, और भी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। लेकिन उसी घटना से रिलेटेड एक खबर ऑफ इंडिया में, खबर तक में इसमें प्रसारित की गई, कई तरह के मैसेज इस तरह से दिए गए कि उसका मस्जिद से किसी निर्माण से संबंधित है, उस लड़के को वहाँ ले गया गया, ये सारी बात गलत है, उसने मैंने स्वयं सत्यापन किया है, और इस तरह की बातें नहीं आई हैं। और अभी तक के अनुसंधान और जांच पड़ताल में ये बातें बिल्कुल है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा इस तरह के मैसेज से। इसके संबंध में खबर तक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में FIR भी दर्ज की गई है कटिहार थाना के द्वारा, आगे कार्रवाई हो रही है। तो आपने सुन लिया क्या मामला है। जिस न्यूज़ वेबसाइट ने ये खबर
फैलाई, प्रकाशित की उस वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने ही FIR दर्ज की है। सिलसिलेवार तरीके से एक बार अंत में और आपको समझा देते हैं, 15 वर्षीय रोहित जायसवाल नामक युवक को लेकर ये खबर फैली कि उसकी बलि मस्जिद में दे दी गई है 15 वर्षीय, जबकि सच्चाई ये है, मीडिया रिपोर्ट्स में, पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आ गई कि रोहित जायसवाल की मौत जरूर हुई। रोहित जायसवाल की मौत डूबने से हुई, और जब वो डूब रहा था तो उसके दोस्त भागे और अगले दिन पता चला कि रोहित डूब गया है। 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और 6 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं और 5 लोग नाबालिग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है, जबकि एक फरार है। तो इस खबर में इतना ही, खबर का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये समझ सकें कि कितनी आसानी से किसी भी खबर को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश होती है, कुछ पोस्ट के जरिए, कुछ न्यूज वेबसाइट्स के जरिए, और जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत हैरानी होती है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।